महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर। उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड विजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन टाउन दर्शन न्यूज। समाचार ही नहीं, विचार भी। उल्हासनगर ममता के पैनल नंबर 6 को लेकर कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि पैनल नंबर 6 से अजीत माखीजानी, दीपक सतलानी, अज्जू मोहनगारो रामरखियानी व पंकज त्रिलोकानी खुद या पारिवारिक सदस्य चुनाव मैदान में पैनल बनाकर उतरेंगे। 29 अप्रैल को उल्हासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन यूएसए के अध्यक्ष दीपक सतलानी के जन्मदिन के मौके पर यूटीए सलाहकार अजीत माखीजानी व अज्जू मोहनगारो रामरखियानी आदि पहुंचे। यहां टाउन दर्शन ने पैनल नंबर 6 को लेकर अजीत माखीजानी व दीपक सतलानी से सवाल किया। दोनों ने किसी भी संभावना से स्पष्ट इनकार नहीं किया है। अज मुझे बात दीपक सतलानी साहब जो जन्म नहीं आए और जी वापारन जी सेवा कंदा रहना है, असा भगवान के दरिया ही प्रार्थना कंदासी त जी सेवा कंदा रहन, अजा सुठे नमूने से वापारन जी सेवा कंदा रहन। छाकाण त अजकल उल्हासनगर में एक पॉलिटिकली ए वापारन जी नेता जो वैक्यूम आ जैसी जगह भरण लाए खपे। इन साल लगभग इलेक्शंस थींदियूं कॉर्पोरेशन जो, तो मां इहा ही दुआ कंदुम भगवान के त हाणे जेकी चुनाव अचण वारा आहिनि जीअं मां तीअं दीपक भाई भी असां कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एज अ कॉर्पोरेटर थी करे वञूं ऐं शहर जी सेवा कयूं। शहर में ऐसी चर्चा चल रही है कि पैनल नंबर 6 में आप दीपक सतलानी जी और अज्जू रामरखियानी जी और पंकज त्रिलोकानी जी साथ में चुनाव लड़ सकते हैं, क्या है ये? ऐसा मुझे हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, नहीं ऐसा मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। मैं टीम ओमी कालानी से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे टीम ओमी कालानी जी हमारे वार्ड का निर्णय करेंगे मैं वो निर्णय पे कायम रहूंगा। बाकी मैं शुभकामनाएं सबको देता हूँ, जिसके भी आपने नाम लिए वो सब हम लोग कॉर्पोरेशन साथ में चलेंगे। जय झूलेलाल। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सिटी प्रेस क्लब के सभी मेरे पत्रकार मित्र, वो पत्रकार बाद में है, पहले मेरे दोस्त हैं, किशोर पिनानी जी, अशोक पिनानी जी, हीरो बोधा जी, मनीष जी और पवन साबलानी जी, टोनी लालवानी जी, और उसके साथ साथ आज अजीत माखीजानी जी, अज्जू रामरखियानी जी, ताराचंद जामनानी जी, काजल मूलचंदानी जी, जो पत्रकार भाइयों के साथ में जो बाकी नाम मैंने लिए वो शहर के बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। जब कोई अच्छे समाज सेवक दूसरे के पास पहुंचते हैं बधाई देने खास टाइम निकाल कर, तो इसका संदेश यह जाता है कि वो हमारी जो समाज सेवा है उसको, आजकल लोग जन्मदिन की बधाइयां व्हाट्सएप पर ज्यादा देते हैं, आज समय की बहुत कमी है, जमाना 2020 का है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे पत्रकार भाई जो हैं हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, व्यापारियों की समस्याएं हो या मेरा जो विचार है वो पेपर में छापने के लिए या चैनल में दिखाने के लिए, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अजीत सर से तो मेरे जो रिश्ते हैं वो पारिवारिक भी है और मेरे वो अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शहर में ऐसी चर्चा है कि अजीत माखीजानी जी, दीपक सतलानी जी, अज्जू रामरखियानी जी और पंकज त्रिलोकानी जी पैनल नंबर 6 से चुनाव मैदान में साथ में उतर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी, भविष्य में क्या होगा कोई बता नहीं सकता है। बाकी बात ऐसी है कि किसी ने कभी सोचा था कि अजीत पवार और बीजेपी साथ में आएंगे तो आज हो गया, या शिवसेना में दो फाड़ हो जाएगी। आज शिवसेना ठाकरे की अलग है और शिंदे की अलग है, शरद पवार अजीत पवार का भी अलग हो जाएंगे राजनीति में, तो राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। आगे चल के क्या समीकरण बैठते हैं, मैं आज के रेट में बीजेपी का महासचिव हूँ और मैं बीजेपी से टिकट की मांग करूंगा और अजीत भाई टीओके से चुनाव की मांग करेंगे। आगे चल के जो समीकरण बैठते हैं, कब कौन सी पार्टियों का आपस में गठबंधन हो जाता है,
हम नेता बैठे रहते हैं, ऊपर के लेवल पे गठबंधन हो जाता है या कभी कभी दूरियां बढ़ जाती हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता है। आज नेता साथ में दिखाई देते हैं शहर में, दूसरे दिन वो अलग दिखाई देते हैं शहर में। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि जो आपस में भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए, शहर के लिए हमको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। यूएसए अध्यक्ष दीपक शतलानी को बधाई देने पत्रकार अशोक पिंजानी, किशोर पिंजानी, टोनी लालवानी, हीरो बोधा, मनीष नारा, पवन साबलानी, कुमार मंगतानी, रोहित रोहरा, ताराचंद जामनानी, काजल मूलचनानी आदि शुभचिंतक भी पहुंचे। उल्लासनगर यूएसए के अध्यक्ष दीपक शतलानी जी का जन्मदिन है। व्यापारी संस्थाओं के अंदर सबसे आगे इस शहर के व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उनका नाम हमेशा प्रमुखता दे रहा है। वो समय समय में शहर की किसी भी प्रकार की तकलीफ हो वह शहर के व्यापारियों के साथ में खड़े रहते हैं, यही उनकी पहचान है। आज उनका शुभ जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर हम सारे सिटी प्रेस क्लब के लोग उनको बधाई देने के लिए आए हैं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे दीपक भाई। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कर रहे। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर AC में और रहने के लिए दिए जाएंगे AC रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और ट्रेवल के लिए होगी AC बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।